हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं एक बार अपनी दुकान पर। आज वीडियो बनेगी अच्छी सी आईफोन 12 के साथ में, तो उम्मीद यह है कि आज जो क्वालिटी है वो अच्छी आनी चाहिए। आज वीडियो बना रहा हूँ मैं HD क्वालिटी में, 4K में नहीं बना रहा, HD 30 में। तो इसमें भी उम्मीद यह है कि अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि 60 अगर मैं करता हूँ ना तो कुछ सांवलापन सा आ जाता, तो इसमें जो है बढ़िया है, एकदम कलर वगैरह भी अच्छे हैं, सब चीज़ बढ़िया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मेरे पास दो मोबाइल हैं जिससे कि मैं आपके सवालों का जवाब देने वाला हूं, जो कि काफ़ी भाई ने पूछ काफ़ी लोगों ने रामू परी भाई ने पूछा नहीं है, वीडियो देखी है एक मेरी जिसमें था जो थी नेरोलेक पेंट के दो कलर का प्राइस, तो वेरी नाइस बताया भाई ने आपका मोबाइल नंबर। सॉरी, मेरा मोबाइल नंबर फ़िलहाल आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मैं देता ही नहीं हूँ नंबर। और देखते हैं और क्या कमेंट्स हैं। हाँ जी भाई, और है AK7 गेम सेंड टेक्निकल बेड, सेंड योर नंबर भाई, खाली बाल्टियाँ चाहिए। भाई हमारे पास खाली बाल्टियाँ नहीं होती हैं, और नंबर तो खैर नहीं है लेकिन खाली बाल्टियाँ भी नहीं है, सॉरी उसके लिए। और तीसरा है मुकेश परिदार की जी की तरफ से, मुकेश पाटीदार जी कहते हैं आप ब्यूटी स्मूथ क्यों नहीं रखते। भाई देखिए, हमारे पास ब्यूटी स्मूथ बिकता नहीं है, पहले एक दो बार रखा था तो कोई ख़ास इसी डिमांड नहीं आई, क्योंकि हमारी जो शॉप है वो गांव में है, आप लोगों को जैसा कि पता है, और यहां पर ना प्लास्टिक पेंट वगैरह तो बिक जाते हैं, जैसे सुरक्षा प्लस और आपकी एस वगैरह और बर्जर की, ब्रिटिश की मेन बाल्टियाँ हैं, जैसे वालमस्टा हुई, बर्जर की स्मार्ट, उसकी ब्रिटिश की स्मार्ट है, तो इस तरह की बाल्टियाँ बिक जाती हैं, एक्सल वगैरह ही बिक जाती है थोड़ी, और अपेक्स भी। तो बाकी इस तरह की ब्यूटी स्मूथ वगैरह ज़्यादा यहाँ पर पसंद नहीं करते। यहाँ पर क्या है, देखिए ब्यूटी स्मूथ इंटीरियर कलर है, यहाँ पर तो क्या है इंटीरियर और एक्सटीरियर सारा एक सा करवा देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। वैसे आजकल ब्यूटी शीन वगैरह आ रहा है, सुरक्षा शीन, तो उसमें अच्छी चमक मिल जाती है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक है फिर ये है जोश बंताओ साहू, मैं अभी नेरोलेक का डीलरशिप लिया है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नेरोलेक का डीलरशिप आपने लिया है, आपको मुबारक हो बहुत बहुत। और निखिल पाटीदार भाई, कलरेंट साफ करने वाला ब्रश दिखाइए, हमारे एरिया के इंचार्ज ने अभी तक नहीं भेजा। तो देखिए कलरेंट साफ करने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ कलरेंट के पास ही। तो देखिए आप, यहाँ मैंने लिया है, तो ये है क्या नाम है मशीन, नेरोलेक की मशीन है, तो इसमें कलरेंट साफ करने की कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये जो है कितने खाने हैं इसके अंदर, है 13, 14, 15, 16 खाने हैं इसके अंदर, तो 16 में से 13 के अंदर कलर रहता है, बाकी 3 खाली रहते हैं, वो इमरजेंसी के लिए रहते हैं। बाकी आपको खाली साफ़ करने की ज़रूरत क्या है, आप इन्हें जो है ना रोज़ाना राउंड कराइए। देखिए हमने बोर्ड लगा रखे ऊपर, रोज़ाना हम सबसे पहले काम यही होता है, मेन लाइट खोलने के बाद में इसको स्विच को रोजाना ऑन कर देते हैं, जिससे इसके अंदर जो कलरेंट है वो जमता नहीं है। बाकी क्या होता है, देखिए बरसात का सीजन चल रहा है, जाड़े हैं, कुछ भी है ऐसा जो ऑफ सीजन है जिसमें नहीं बिकरा कलर, तो क्या है आपको तो ज़रूरी इसे घुमाना है, नहीं तो ये जम जाएगा। और दूसरी बात यह, हर जो ये कंटेनर है इसमें आपको बता दूं 2 लीटर स्टेनर आ जाती है। स्टेनर कौन सी पड़ती है, देखिए स्टेनर के डिब्बे ये रहे, है ना, तो मैंने दिखाई भी है आपको पिछली वीडियो में। तो इसमें नीचे आप देखेंगे तो नोजल होता है, हर उसके कंटेनर के नीचे नोजल होता है, नोजल आपको दिखा दूं मैं, देखिए नोजल ये रहा, है ना, हर कंटेनर में होता है नोजल, देखिए ये रहा। तो इसको आपको पेचकस से साफ करें, पेचकस बारीक पेचकस में कपड़ा लगा के करें, या सुई वगैरह से करें, या किसी भी तरीके से कुछ कुल मिला के साफ हो जाना चाहिए। इसके साफ होने से क्या बेनिफिट है कि यहाँ पर इसमें जो कलर गिरेगा, मान लीजिए यहाँ पर 1 लीटर से लेकर 20 लीटर तक की बाल्टियाँ यहाँ पर रखेंगे, तो उसमें जो ये कलरेंट गिरेगा ना, तो डिब्बे में गिरना चाहिए, वरना इधर उधर गिरेगा तो एक तो कलर ख़राब हो जाएगा आपका, और दूसरी बात ये कि जो कलर बनना है वो तो ख़राब होना ही होना है, आसपास का जो एरिया वो भी ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए लैपटॉप रखा है, कंप्यूटर रखा है, वो भी ख़राब हो जाते हैं। मैंने एक आध बार देखा है जो कलरेंट हमें पता नहीं था, नई नई दुकान थी, तो भाई इस तरह से हमारा एक सब कुछ ख़राब हो गया था, तो कस्टमर का भी बड़ा बेला फुसला के उसे दिया, तो उसका कलर थोड़ा सा अलग हो गया था। क्विक पॉइंट की तरफ से है जी, इम्प्रेशन और रॉयल तो इंटीरियर हैं। हाँ जी, नेरोलेक कंपनी का जो है इम्प्रेशन होता है, और एशियन पेंट का रॉयल होता है, दोनों इंटीरियर पेंट हैं, और दोनों ही बढ़िया अच्छी क्वालिटी के पेंट हैं।
और जी खावर शेख भाई ने हमें आईफोन 12 लेने की खुशी में मुबारकबाद दी है। खावर शेख भाई हैं, बहुत ही खास हैं हमारे लिए, भाई ने मुबारकबाद दी है, सिर्फ इस वजह से दी है, मैंने तो देखा वो देते रहते हैं, बहुत बहुत उनकी तारीफ जितनी की जाए बहुत ज़्यादा कम है मेरी तरफ से, बहुत तारीफ के लायक इंसान हैं और उन्होंने मुझे आईफोन 12 लेने पर कहा मुबारक हो भाई, तो भाई शुक्रिया बहुत बहुत। कलर वर्ल्ड की तरफ से भी तारीफ का ही आया है मैसेज, उन्होंने इस तरीके से दिया, सिंबल बना के दिया है। और रोशन राज जी की तरफ से है, JSW पेंट कब लॉन्च होगा बिहार यूपी में? तो देखिए इसका नॉलेज मुझे नहीं है, जब जैसे होगी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो रोशन राज, टोटल कॉस्ट की लागत है CCTV कैमरे पर? तो देखिए भाई हमने जो है 14 कैमरों का सेटअप किया है, और दूसरी बात ये कि 14 कैमरे लगवाए हैं प्लस LED लगाई है, तो कुल मिला के मेरा जो है 1,00,000 रुपये का खर्चा आया है। और भाई देखिए मैं एक बात और बताना चाहूँगा कैमरों में, भाई कैमरे जो है दो क्वालिटी के लगवा लेना, CC क्या नाम है CP+ और एक हिकविजन और CP+, इन दो कंपनियों का लगवाना, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी जो है कैमरे लगवाने वाले जो है ना, लगाने वाले बहुत ज़्यादा कुछ दबाव डालते हैं, ये लगवा लो वो लगवा लो, और क्वालिटी अच्छी है तो भाई इस तरीके से बातों में मत आना, ये दो ही कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं, CP+ और हिकविजन। और लेते हैं नीतीश कुमार, सर मैंने नेरोलेक पॉपुलर प्राइमर कैसा है? भाई नेरोलेक पॉपुलर प्राइमर बढ़िया है, प्रीमियम प्राइमर जो है थोड़ा सस्ती रेंज में, पॉपुलर प्राइमर अच्छा है, और ये प्रीमियम प्राइमर और पॉपुलर प्राइमर दोनों ही इंटीरियर के लिए हैं, बाकी सीमेंट प्राइमर आता है वो एक्सटीरियर के लिए हैं। तो दोस्तों आप मुझे बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।